गाइस, आप सबने हमारी जो पिछली वाली प्रेगनेंसी की वीडियो देखी होगी कि डॉग को प्रेगनेंसी के टाइम कैसे केयर किया जाए और क्या क्या करें, तो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई वीडियो और आप सभी का बहुत ज़्यादा अच्छे से प्यार मिला, तो वैसे हमें सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे आप प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने डॉग का डाइट किस तरह से आपको रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि डाइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपको केयर करना बताया तो आपको डाइट के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो में आपको पूरा डाइट बताने वाला हूँ कि किस तरह से शुरू से लेकर लास्ट तक आपको किस तरह से जो है डाइट उसका रखना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको क्या क्या देना है, कितने टाइम देना है और कब कब आपको डाइट चेंज करना है, वो भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरी बनाई वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे आप सभी को ऐसे पता है कि जो डॉग की फीमेल की प्रेगनेंसी होती है वो कुछ 64-65 डेज तक रहती है, और उसमें भी आपको ट्रीटमेंट या फिर आप बोल सकते हैं चेकअप आपको बार बार करना चाहिए होता है, जो कि आपके फीमेल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तब आपको अंदाज़ा लगाया जाता है कि कब ये फीमेल बच्चे देगी और कैसे इसके बच्चे है और तंदुरुस्त है या नहीं है, अगर कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है वो भी आप पूरा कर सके, इसलिए टाइम टू टाइम चेकअप आप ज़रूर से कराएं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो नॉर्मल 20 डेज या 25 डेज होते हैं जब आप मीटिंग कराते, उसके बाद 25 या 20 डेज के आसपास जब होते हैं फीमेल, उस दिन तक आपको क्या खाने को देना चाहिए। तो ऐसे टाइम में आपको जो नॉर्मल आप जैसे डॉग फूड देते हैं या फिर घर का खाना दे रहे हैं वो नॉर्मल है, वही आपको खाना उसको कंटिन्यू रखना है 23 डेज या 25 डेज तक। इसमें क्या होता है कि उसको कुछ भी चेंजेस नहीं करने, और आपको क्या करना है कि कभी भी आप चेंजेस करते हो या फिर कुछ डाइट चेंज कर रहे हो तो एकदम से बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एकदम से आप चेंज करते तो उनके पेट के ऊपर, उनके स्टमक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड आ जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल जो अगर आप डाइट चेंज कर रहे हो तो धीरे धीरे आपको करना है। तो जो नॉर्मल 23 से 25 दिन तक होता है उसमें आपको नॉर्मल आप खाना जैसा आप घर का रेगुलर बेसिस पर देते हो वो आप दे सकते हैं। तो गाइज़, ये तो हुए 3 हफ्ते, और उसके बाद हमारा जो चौथा हफ्ता होता है मतलब जो 7 दिन होते हैं उसमें आपको क्या करना है कि जो आपका घर का खाना है वो आपको थोड़ा कम करके उसको वहाँ पे पपी फूड आपको देना है। पपी फूड में आपको इसलिए देने के बोल रहा हूँ क्योंकि पपी फूड काफ़ी आपको देखा होगा काफ़ी छोटे दाने आते हैं और वो डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी अगर कोई डॉग हो प्रेगनेंट डॉग हो तो उसको काफ़ी ज़्यादा डाइजेस्ट करने में मदद होती है, इसलिए पपी वाला फूड भी दे सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास जैसे कि प्रेगनेंसी मदर के लिए पप्पी स्टार्टर फूड आता है जो कि प्रेग्नेंट डॉग होती है उसके लिए काफ़ी स्पेशल आता है, तो आप चाहे तो वो भी ला सकते हैं और वो भी उन्हें दे सकते हैं। बट ध्यान रखना है आपको कि एकदम से आपको चेंज नहीं करना, आपको रोज़ धीरे धीरे जो कंटिन्यू खाना था वो तो आपको देना ही है। उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत कम करके जो पप्पी स्टार्टर फूड या जो मदर का स्टार्टर फूड आता है प्रेगनेंसी के टाइम पर वो आप उसे दे सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना आपको कि ऐसा नहीं खाने के आपको ऊपर ध्यान देना है, आपको उसके पानी के ऊपर भी ध्यान देना है कि फ्रेश पानी डॉग को प्रोवाइड करना है ताकि वो पानी भी पी सके और डिहाइड्रेट ना हो, उसको जितना हो सके उतना पोषण मिले पानी के थ्रू भी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ऐसे बहुत सारे आपको जो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे वो भी आपको कंटिन्यू देना है, चाहे तो आप सिरप के इसमें भी दे सकते हैं, अगर आपका डॉग टैबलेट खाता है तो टैबलेट के हिसाब से भी आप दे सकते हैं। उनका वेट है वो आप ज़रूर से चेक करते रहिएगा टाइम टू टाइम, उसके हिसाब से आपको उसको खाना देना है। उसके अलावा जैसे कि आप बॉयल्ड एग वगैरह भी दे सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं उसको चावल दही छाछ या जो नॉर्मल होता है वो भी आपको कंटिन्यू देना है, ताकि सभी तरह से उसको प्रोटीन होता है न्यूट्रिशन होता है वो पूरी तरह से मिल सके। और प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ऐसी सारी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, जैसे कि एकदम तला हुआ खाना आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ज़्यादा मीठा या फिर ज़्यादा तीखा वगैरह आपको नहीं देना चाहिए, ऐसी गरम गरम चीज़ें भी आपको डॉग से दूर रखनी चाहिए, वो भी उसको खाने को नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे डॉग ब्रीडर या फिर जो न्यू डॉग ओनर होते हैं उनको पता नहीं होता प्रेगनेंसी के टाइम पर न्यू फीमेल होती है उनके पास, तो ऐसी गलती कर देते, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ध्यान रखना जो भी आप खाने को देते वो आपको उसका डाइट प्लान अच्छे से फॉलो करना है। आप चाहे तो डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में आप रहिएगा, उनका पर्सनल नंबर भी आपके पास होना ज़रूरी है इस टाइम पे। कैसे जैसे कि आप 5वें हफ्ते में आ जाते हैं तो उसके में आपको क्या करना है कि आपको 100% जो पपी फूड आपको उसको देना है, और चाहे तो आप जो प्रेगनेंसी के लिए आता है फूड वो भी आप दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप सोचेंगे कि घर का खाना आप दे सकते कि नहीं दे सकते, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है कि डॉग को जितना हो सके उतना न्यूट्रिशन कैल्शियम और जो खास उनके बच्चों के लिए इतना न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत होती है उनके बोन्स के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं तो उसके कारण जो मदर को काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगती है, तो ऐसे टाइम पर आप पपी
फूड आपको उसको 100% देना है। आप चाहे तो उसका टाइम आप 3 टाइम भी दे सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में, दोपहर को या फिर रात को, उस तरह से भी आप दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और जितना हो सके उतना उसको आप टाइम टू टाइम अगर दे तो वो बढ़िया रहेगा। तो जैसे आपका 5वां सप्ताह शुरू हो जाता है तो ऐसे में उसका खाना आपको दुगना कर देना चाहिए, और जहाँ तक 7वां सप्ताह आते आते आपको उसका खाना 1.5 गुना तक ज़्यादा कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि उसके जो बच्चे अच्छे खासा ग्रो कर रहे हैं, उसका पेट भी ग्रो कर रहा है और उसको उतनी रिक्वायरमेंट भी चाहिए होती है। फिर कभी 3 या 4 बच्चे हो, कभी 5 बच्चे हो, तो उस हिसाब से आपको उसका जो है खाना भी आपको बढ़ा देना चाहिए। आप सोचेंगे कि एक साथ इतना सारा डॉग कैसा खाएगी, तो आपको क्या करना है कि आपको उसको 3 से 4 टाइम तक आपको उसका खाना डिवाइड करना है। आपको थोड़ा थोड़ा टाइम पे, थोड़े थोड़े गैप पे आपको उसको खाना देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से खा सके, उसको अच्छे से जो है डाइजेस्ट भी होना चाहिए। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके देना है, एक साथ बिल्कुल मत दीजिएगा, नहीं तो फीमेल डॉग खाना ही छोड़ देगी, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम पे, थोड़े थोड़े गैप में आपको उसको खाना देना है। और गाइस, आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि लास्ट का सप्ताह होता है, जो कि अब प्रेशर आप प्रेगनेंसी के टाइम आ जाता है, तो उसके टाइम पे आपको क्या करना है कि धीरे धीरे खाना उसका कम भी करना है। आपको उस टाइम पे धीरे धीरे उसका कम खाना जो होता है वो थोड़ा थोड़ा करके आपको कम करना है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आप डॉक्टर की सलाह लेके उसको लीवर टॉनिक भी दे सकते हैं, लीवर टॉनिक काफ़ी ज़्यादा उसके लिए बेस्ट होता है। मल्टीविटामिन जो सिरप आते हैं वो भी आप दे सकते हैं। आप चाहे तो खाने के अंदर भी मिक्स करके उसे दे सकते हैं, तो भी अच्छे से खा लेंगे। अगर आपको ऐसा देना है तो पैसा भी दे सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम टैबलेट वगैरह आती है, वो भी आपको चालू करना है तो वो भी आपको देना है। हमेशा ध्यान रखना है कि एक साथ सब ने देना, उसका जो वजन है वो कैलकुलेट करके उस हिसाब से आपको उसको देना है। और जितना हो सके उतना आप डॉक्टर के टच में रहिएगा, रेगुलर बेसिस पे उसका चेकअप ज़रूर से करेगा, और आप चाहे तो आपके वेट के हिसाब से या फिर आपके डॉक्टर के हिसाब से भी आप जो है डाइट बना सकते हैं। ये नॉर्मल डाइट है, आप इसमें बहुत सारा कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप दे सकते हैं, आपके डॉक्टर की राय के हिसाब से भी आप उसे दे सकते हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और आप अगर आपकी डॉग फीमेल प्रेगनेंसी उसके बच्चे है तो आप फोटो भी हमें इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।